सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति कई मायनों पर टिकी होती है। टिकने की व्यवस्था ऐसी है कि अगर कोई फैसला होता है उस पर भी लगातार विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की दौड़ शुरू कर देता है, बयानबाजी शुरू हो जाती है। और अगर सरकारी महकमे में कोई फेरबदल होता है, किसी की नियुक्ति होती है या किसी का सेवाकाल समाप्त होता है, उस पर भी बयानबाजी शुरू हो जाती है। कारण राजनीति, कारण सरकार को घेरने का प्रयास। खैर, सरकार को घेरने का प्रयास तो विपक्ष समय समय पर तमाम मुद्दों को लेकर करता रहता है, पर तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमेशा ज्वलंत बने रहते हैं। कारण, उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी क्यों? यहां पर अखिलेश यादव ये बात सदन में पूछ चुके हैं और तमाम समय पर उन्होंने इस तरह के ट्वीट भी किए हैं कि क्या अनैतिक कार्य करी पुलिस की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, क्यों अब तक उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी नहीं मिल पा रहा है। और समय समय पर इस तरह के बयान सपा प्रमुख के आते रहते हैं। भाई, आने भी चाहिए, मजबूत विपक्ष है और विपक्ष अगर बयान नहीं देगा, विरोध नहीं करेगा, तो विपक्ष की भूमिका क्या है? पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, 11 मई 2022 को यहाँ पर डीजीपी थे मुकुल गोयल, उनको हटाया गया। उसके बाद एक दिन के लिए, यानी 12 मई 2022 को एक दिन के लिए प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। उसके बाद 13 मई 2022 को घटनाक्रम फिर बदला और डीएस चौहान को यहां पर कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। उसके बाद अगर हम डीजीपी की बात करें तो डीजीपी के लिए जो प्रस्ताव होता है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा। उसके बाद ये जो प्रस्ताव जाता है वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को जाता है। उसके बाद जो लिस्टिंग जाती है उसमें मानव संसाधन मंत्रालय जो होता है वो वरिष्ठता के क्रम में, व्यवस्थाओं के क्रम में, और वो जो भी हो जिसको डीजीपी बनाने के लिए प्रस्ताव गया है उसका जल्दी सेवाकाल समाप्त ना हो रहा हो। उसके बाद वो 3 से 4 नामों की यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं और सरकार को वापस भेजा जाता है और सरकार उनमें से किसी एक नाम को यहाँ पर नियुक्ति के रूप में स्थापित करती है, बैठाती है महत्वपूर्ण पद, यानी पुलिस के मुखिया के पद पर। उसके बाद हम देखें अगर तो डीएस चौहान के 13 मई 2022 को बनने के बाद जो डीओपीटी जो कि इस नियुक्ति करती है बड़े पदों पर डीजीपी की, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में, उसको प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव लेट गया या जल्दी गया तो सरकार जानती है या डीओपीटी जानती है। पर उसके बाद जो फेरबदल रहे, जानकारी रही, समय अनुकूल यहाँ पर चीज़ें नहीं की गई, उसके चलते यहाँ पर भी डीएस चौहान का डीजीपी का कार्यकाल यहाँ पर ख़त्म हो गया आज। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर भी कोई तैयारी के बिना डीजीपी का पद दिया है आर के विश्वकर्मा, पुराने नाम वेदाक छवि, मेहनती आईपीएस में एक, और अब तक जो भी काम उनको दिए गए उन्होंने बेहतर तरीके से निभाए। पुलिस महानिरीक्षक पीएससी भी रहे हैं, अभी फिलहाल भर्ती बोर्ड देख रहे थे, और आर के विश्वकर्मा वो नाम है, भरोसेमंद नाम है सरकार का, और निश्चित रूप से उनके द्वारा बेहतर कामों को अंजाम दिया गया। वेदाक छवि के आईपीएस हो, यहाँ पर उनको एक बेहतर तरीके से उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कार्यवाहक डीजीपी से क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़ी पुलिस संख्या, बड़ी जिम्मेदारी, अपराध के मामले में तमाम तरह की चुनौतियाँ सामने रहती हैं, समय समय पर यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं, अभी निकाय चुनाव भी होने वाला है, और जिससे विपक्ष लगातार ये क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न उठा रहा है कि कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे क्यों आप प्रदेश चला रहे हैं, क्यों कारण है, कारण क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, वो भी देखना यहाँ जरूरी है। तो देखते हैं कि स्थिति क्या है और जिस तरह से विपक्ष के आरोप हैं उसमें कितना मजबूती है, कितनी उसमें क्षमता है और कितना बड़ा आधार है जो विपक्ष इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर रहा है। ये बात पहले नहीं, ये बात लगातार अखिलेश यादव समय समय पर उठाते रहे हैं और तमाम लोगों द्वारा ये बात उठाई गई है। रिपोर्ट क्या बताती है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान 31 मार्च को रिटायर्ड हो गए, 1988 बैच के आईपीएस थे डॉक्टर डीएस चौहान। राजकुमार विश्वकर्मा यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी, जिनके बारे में जानकारी है,
1988 बैच के आईपीएस हैं और मई में ये भी रिटायर्ड होने वाले हैं 7 दिन बाद। फिलहाल अगर आर के सिसोदिया की हम बात माने तो वो पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे। 15 फरवरी 2020 से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थे और सीनेटी के हिसाब से इस पद के सबसे मुख्य दावेदारों में एक थे। हालांकि तमाम नाम और पहले भी चल रहे थे, एसएन सावर का भी नाम चल रहा था, प्रशांत कुमार का नाम भी चल रहा था, पर यहाँ पर राजकुमार विश्वकर्मा के नाम पर अनुमति मिली, नियुक्ति की गई। आईपीएस लवी में बेदाग छवि के अफसर हैं और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये भी है कि मेहनती अफसरों में एक है, मई 2023 में रिटायर्ड होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से यहाँ पर कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाया जा रहा है, सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर है और इन व्यवस्थाओं के बीच में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डीजीपी होते हैं, अगर कार्यवाहक होते हैं, उनके साथ और प्रभार भी होते हैं, इनके साथ भी और प्रभार भी हैं। अगर हम पुराने डीजीपी की बात करें जिनका आज कार्यकाल खत्म हुआ है, डीएस चौहान, वो भी डीजी विजिलेंस और डीजी इंटेलिजेंस दोनों का प्रभार देख रहे थे, साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक का प्रभार भी उत्तर प्रदेश में वो अतिरिक्त देख रहे थे। तो कार्यवाहक थे, पर कार्यवाहक से यहाँ पर कब तक काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कार्यवाहक से काम चलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की व्यवस्था है उसको लेकर भी यहाँ पर संशय व्यक्त होता है। चर्चा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रदेश बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है और विपक्ष के जो आरोप हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी आधारता है और कितनी व्यवस्था के साथ विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहा है वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेहमान जो रूरू का रूप प्रवक्ता भाजपा से दिवाकर सिंह भाई अपनी पक्ष रखेंगे, नेता सभा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता जालोर से वेद प्रकाश मेहता अपनी बात रखेंगे और विशेषज्ञ रूप में दिलीप हर्षवर्धन भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर दिवाकर सिंह से, दिवाकर भाई कैसे देखते हैं यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि कार्यवाहक ही डीजीपी क्यों, क्या जिस तरह से अखिलेश यादव समय समय ट्वीट भी करते रहते हैं, क्या अनैतिक कार्य करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उस अनैतिक कार्य के चलते चुनाव जिताऊ अधिकारी चाहते हैं वो कोई बनने तैयार नहीं है, उसके चलते अभी तक कार्यवाहक डीजीपी काम चला जा रहा है, कैसे देखते हैं? गौरव भाई जी, आरोप प्रत्यारोप पर लगा रहता है सरकार जी, आरोप प्रत्यारोप लगाना काम जी है। पत्रकार महोदय भी लगाते रहते हैं और पत्रकार आईना दिखाना पत्रकार महोदयों का विशेष रूप से है जी, लेकिन इसमें ये सवाल तो आपने अभी भी कर दिया। हाँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कार्यवाहक डीजीपी का काम करना ही न है जी, डीजीपी का काम कितना बढ़िया से डॉक्टर डीएस चौहान जी का चला, कार्यकाल तारीफ की है और उनकी तो आपका मानना है कि कार्यवाहक चलते रहने कोई दिक्कत नहीं है, स्थायी नहीं चाहिए? हाँ जी जी, हम बता रहे हैं जी, ये सरकार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत यह एक व्यवस्था है जी, व्यवस्था के हिसाब से सरकार जिसको सर्वोत्तम समझती है उससे काम, अच्छा, उसको पदोन्नत के साथ उसको कार्यभार दिया जाता है जी। कई नाम एक पैनल में होते हैं, 4 नाम होते हैं, 5 नाम होते हैं, सभी योग्य अफसर हैं, अफसर में उसमें भी छांटना बड़ी चीज होती है ना। अच्छा, जैसे टॉप क्लास के 13 मई 2022 का तब मौका नहीं मिल पाया छांटने का, जो अब छांटेंगे टॉप क्लास के अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली अच्छी है, जो हमारे नए डीजीपी महोदय उसमें संशय नहीं है, उसमें संशय नहीं है, अच्छे अधिकारी हैं जी, संशय नहीं है, चौहान भी बढ़िया थे, ये भी बढ़िया, ठीक है, सारे अफसर बेदाग, इसमें पुलिस के सारे अफसर बेदाग हैं, इसमें पुलिस का मनोबल एकदम बढ़ा हुआ है, वो जो अच्छे अफसर के कारण ही होता है, पूरा पावर पुलिसिंग को है, पुलिसिंग अपने शुद्ध रूप से काम कर रही है। इस समय प्रदेश में अपराधियों का मनोबल गिरा है, पुलिस का मनोबल बढ़ा है, यह भाजपा सरकार है। अच्छा जी, इसके पहले यही पुलिस रहती थी, अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहता था, गोली चलाती थी, पुलिस छिप के भागती थी, लीजिए सुन लीजिए, पुलिस छिप के पुलिस का मनोबल नहीं ऊंचा था, मनोबल ऊपर नहीं था, वो डरते थे कहीं हम कोई कार्य करें कोई हमारे राजनीतिक रूप से उनको स्वतंत्रता नहीं थी। अच्छा, आज की पुलिस हमारी जो है राजनीतिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं है, पुलिस अपने विवेक से सर्वोत्तम, अच्छा, सर्वोत्तम रिजल्ट इस समय सरकार के सामने है, जनता के सामने है, आप
कहीं भी जाकर के किसी भी से पूछ लीजिए गौरव भाई जी, छोटे से लेके सबसे बड़े तक जी, पुलिसिंग पर कहीं किसी की उंगली नहीं उठती है, न्याय पर उंगली नहीं उठती, अपराधी नतमस्तक है, अपराधी जेल से बाहर नहीं आना चाहते। ये पहली बार भाजपा की सरकार जब से महाराज जी की आई है, पिछली बार भी सरकार है, इस बार भी नहीं। अच्छा, कानून और व्यवस्था पे पूरे प्रदेश की जनता एकदम मुग्ध। मेरा उस पर प्रश्न नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर। आप तो अच्छे कसीरे पड़ते रहे, पर मेरा कहना यह है कि अगर डीजीपी को आप नियुक्त करना चाहे, बड़ा प्रदेश है तो यहाँ पर स्थायी सुने या उच्च स्तरीय है, सबको मौका देना चाहते हैं। ये उच्च स्तरीय है मामला, इस पे हमारे बड़े नेता अपने हिसाब से, अपनी जो उनकी सहेली हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को कोई भी नहीं है कहना। जो हैं वो अच्छे हैं। अच्छा। और हम लोग भी जानते हैं कि हमारे जो आए हैं विश्वकर्मा जी, जी बहुत नोबल अफसर हैं, अफसर में दो राय नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और बहुत कर्मठी मेहनती, आपने भी कहा है, पूरी प्रदेश की जनता जान रही है। ठीक। तो हमारे प्रदेश की जनता को न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, अपराध मुक्त है, अपराध मुक्त प्रदेश रहे, ये मेन बात है। सरकार हमारी बढ़िया चल रही है, महाराज जी के राज में और जोगी जी के सुशासन में एकदम लॉ एंड ऑर्डर पे पूरे प्रदेश की जनता एकदम संतुष्ट है। ठीक है, विवेक पांडे सपा से। विवेक भाई, मैं क्या दिक्कत है? सरकार बढ़िया चल रही, काम अच्छा हो रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है। आपकी सरकार में तो मनोबल तोड़ दिया जाता था, इतना राजनीतिक दबाव था कि कोई काम नहीं कर पाता था। भाई क्या स्थिति रहती है और आपकी क्या राय है पूरे प्रक्रम के? समय समय पर आपके द्वारा भी लगातार ये बात उठाई जाती रही है और आपकी पार्टी द्वारा भी समय समय पे ट्वीट भी की जाते हैं और बात भी कही जाती है। जी गौरव भाई, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी आपको। जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, पहले तो उपस्थित पैनलिस्टों को अनुमोदन करूंगा, रमजान की बहुत बहुत बधाई दूंगा तकी भाई को जी, और आदरणीय दिलीप यशवर्धन जी आज मंच पे उपस्थित है तो उनको विशेष प्रणाम समर्पित करता हूँ जी। देखिये, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, जो भी अभी वक्तव्य दे रहे थे, चाहे वो जो भी है, मैं उनको जानता नहीं व्यक्तिगत रूप से जी, लेकिन ये महिमा मंडन करते करते वो दो चीजें भूल गए जी। एक, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी जी कि हम यूपी सरकार से तंग आ चुके हैं, वहाँ जंगल राज है। अच्छा, शहर से के 300 साल पुराने मंदिर के मामले से जुड़ा प्रकरण था, सुनवाई चल रही थी जी, सरकार की का रवैया देख करके सुप्रीम कोर्ट इतना चला गया कि उसे टिप्पणी करनी पड़ी और वो जंगल राज्य कायम हो चुका है। अच्छा, उदाहरण एक और प्रस्तुत कर देता हूँ। उन्नाव का एक भू माफिया होता है जिसने कुछ दिन पहले भाजपा नेता के घर पे 14 मार्च को चढ़ करके फायरिंग की थी और उसके विरुद्ध खबर दिखाने वाले जो पत्रकार थे जी, उनके विरुद्ध वहां के विधायक FIR करवा देते हैं। अच्छा, कार्यकारी DGP का होना कितना इकबाल बुलंद कर रहा है उसका ज्वलंत विधायक। एक आपने और देखा, हथकड़ी लगा के एक पत्रकार को, क्योंकि भाजपा नेता से उसने सवाल पूछ लिया था जी, अपना इको सैटिस्फाइड करने के लिए उसी के ऊपर FIR करा दिया। ठीक भाई, बिना इंजन के ना ट्रेन चलती है, बिना नेतृत्व के ना इंजन तो है भाई, कार्रवाई के इंजन तो है भाई। भाई हाँ, लेकिन तेल कौन डाले उस इंजन की जिम्मेदारी कौन ले? उस इंजन के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जो संपादित किया जा रहा है उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? कार्यकारी का अर्थ ये हो गया जी। तो ऐसा है कि अगर कार्यकारी DGP इतना अच्छा है, मतलब इतना अच्छे से संचालित कर पा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना, उत्तर प्रदेश को भी कार्यकारी मुख्यमंत्री दे दीजिए। तीन तीन मुख्यमंत्री तो वैसे ही आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, तो भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, भाई कार्यकारी मुख्यमंत्री, मुझे तो अब ये लगने लगा है उत्तर प्रदेश को भी कार्यकारी मुख्यमंत्री दे रखा है 2 डिप्टी CM के नाम पे, जिस तरीके से योगी जी के अधिकारी बात कर रहे हैं, भी प्रस्तुत कर जनता ने समर्थन दिया है, नारा दिया है, मुख्यमंत्री बने हैं, मिथक तोड़ा है 37 साल पुराना। मेरी बात आ जाए, अब सुन लीजिए, योगी जी को कितना अधिकारी गंभीरता से लेते हैं उसका मैं उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ। कर दीजिए। योगी जी ने 21-22 के पुलिस स्मृति दिवस पे सिम भत्ता, मोटरसाइकिल भत्ता 75 जिलों के उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में सुधार के लिए घोषित किया था। अच्छा, ये बात सार्वजनिक है जी। मैंने कुछ दिन पहले एक पोल किया ट्विटर पे जी, यही जानने के लिए कि क्या इसमें वास्तव में ये चीजें क्रियान्वित की जा रही है। जब ये बात आई कि लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यकारी DGP संचालित कर रहे हैं जी, उसमें 4% लोगों का ये कहना है कि हर महीने मिल रहा है, 80% लोगों का कहना है कि न सिम भत्ता मिल रहा है और ना बाइक भत्ता मिल रहा है, ये पोल आपका है, 6% लोगों का कहना है कुछ जिलों में मिल रहा है जी, और 5% का कहना है अधिकारी नहीं दे रहे, और ये टोटल 803 वोट पड़े थे, आप प्रतिशत स्वयं निकाल लीजिए, 80% कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। अच्छा, 803 लोग, अगर 803 में 80 का आंकड़ा क्या होता है, 80% का, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं जी।
ये तो कार्यकारी डीजीपी के होने का प्रभाव है कि मुख्यमंत्री के ही आदेशों को दरकिनार कर देते अधिकारी। अच्छा। उनके द्वारा की गई घोषणाओं की खिल्ली उड़ाई जा रही है। अच्छा। तो एक प्रकार से ये खिल्ली मुख्यमंत्री की उड़ाई जा रही है। अच्छा। कार्यकारी डीजीपी होने का ये परिणाम होता है। अच्छा। दूसरी बात पे आऊंगा मैं, उत्तर प्रदेश में कार्यकारी डीजीपी होने का एक और नकारात्मक परिणाम, पुलिस के जवान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई कि कानपुर की एक खबर आई थी कि महिला सिपाहियों की रवानगी नहीं की जाती, उनका शोषण किया जाता है। अच्छा। तो इस तरह की खबरें ये जो बोल रहे थे बैठ करके, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्या ये बता सकते हैं कि इनको कुछ आंकड़े पता है? क्या ये बता पाएंगे कि क्या कारण है कि यंग लड़के, ट्रेंड लड़के, वेल फोर्स के लड़के, वेल ट्रेंड मतलब आपके हमारे बराबर उम्र के लड़के जो मनोबल रहते हैं, जिनको प्रशिक्षित किया जाता है, जिनकी शारीरिक दक्षता मानक के अनुकूल है, वो लड़के आत्महत्या कर रहे हैं? कोई कारण आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जानने की कोशिश की? नहीं जानने की कोशिश की। क्यों? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत भावना से ग्रसित है और कहीं ना कहीं वो आदरणीय प्रशांत कुमार जी को डीजीपी बनाने तक कहीं ना कहीं कार्यकारी डीजीपी के माध्यम से ही ये सरकार खींचेगी इस व्यवस्था को, क्योंकि 2021 की भ्रष्टाचार यूपीएसआई में जो हुए हैं सरकार के माध्यम से, उसके छींटे कौन अपने दामन पे लेना चाहेगा? अच्छा भाई, 30 से अधिक सेंटर मालिकों पे एफआईआर, 60 से अधिक एफआईआर में 150 से अधिक लोग नामजद, 200 से अधिक गिरफ्तारियां, और उस पे सरकार आज तक मौन है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी दरोगा भर्ती का घोटाला, जिसमें 15 से 50 लाख तक के रेट उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ के जवानों ने पकड़ा और लगातार उस पर कार्रवाई की, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, निष्पक्ष जीरो टॉलरेंस की जीरो सरकार लगातार मौन है। उस पे ना कोई जांच करवाएगी, ना वो उस पे कोई कार्रवाई करना चाहती है, ना उस पे कोई एसआईटी गठित करना चाहती है, क्योंकि स्थिति साफ है कि कार्यकारी डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिया गया है। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि क्या उत्तर प्रदेश पे यूपी कैडर के, अगर आपके पास आईपीएस अधिकारी वरिष्ठतम सूची के नहीं है, तो क्या दूसरे कैडर के, जैसे शिरोडकर साहब, तो मुझे लगता है अगर मेरी जानकारी गलत हो स्पष्ट कीजिएगा, वो तो शायद महाराष्ट्र कैडर के हैं। जी बिल्कुल। अगर आपके पास अधिकारी नहीं, तो क्या आप दूसरे राज्यों के कैडर से नहीं बुलवा सकते? नियत नहीं है, नियत नहीं है, क्योंकि अब निकाय चुनाव सामने है। निकाय चुनाव में जो निकाय चुनाव में कौन अपने दामन पे लेगा, सुन लीजिए भाई, पुलिस तो चुनाव लड़ रही है, सरकार कहाँ लड़ती, भाजपा कहाँ लड़ रही है? अच्छा। जिस तरीके से आपने चुनाव में देखा, पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग, सुन लीजिए, पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग जिस तरीके से लोग करते हैं, अच्छा, पुलिस से तो चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन पुलिस के वेलफेयर को लेके कोई काम नहीं करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान थक गए, उनके गले सूख गए, परिवारों की उम्मीदें टूट गई। भाई 2400 के बाद जो 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए, वो 2800 ग्रेड पे सेकेंड एसीपी लगाई जाती है 2800 ग्रेड पे, जो कि पूर्णतः आर्थिक भ्रष्टाचार है। वो केवल लेखा और वित्त विभाग के एसएसआई पदों के लिए सृजित है, कार्यकारी बल के लिए 4200 ग्रेड पे जो दूसरा प्रमोशन होता है होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों का आर्थिक हक मारा जा रहा है। अच्छा। इस पे कौन बात करेगा? एक जिम्मेदार डीजीपी का मतलब ये होता है कि वो अपने विभाग के संस्थाओं की जो कमियां है, जो उनमें व्यवस्था चाहिए, जो उसमें सुधार चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं विवेक भाई, एक सवाल मेरा ले लीजिए। आप पुलिस के लिए इतना चिंता है, इतना आप कल्याण की बात कर रहे हैं, वेलफेयर की बात कर रहे हैं, और आपके प्रमुख जब पुलिस हेडक्वार्टर को घेरते हैं, जब उनके सोशल मीडिया हैंडलर की गिरफ्तारी हुई थी मनीष जगन अग्रवाल की, तब उन्होंने पुलिस की चाय पीने से मना कर दिया था, कह रहे इसमें जहर हो सकता है। तो इस तरह आप कल्याण की बात करते हैं, इस तरह आप उनके भरोसे की बात करते हैं, और इस तरह आप स्वयं पर भरोसा नहीं करते हैं, तो कौन सी बात बेहतर मानी जाए, ये वाली या पुरानी वाली? जी आप किसकी बात करते हैं? नहीं, मुझे मीडिया तो, किसकी बात करती है? मीडिया तो जो बात जो देखता है वो बात करती है। अब आपकी बात आ गई, मेरी बात भी आ जाए, बिल्कुल बोल दीजिए। अभी जो भाजपा की प्रवक्ता बैठ के बड़े बड़े गुणगान गा रहे थे जी, मुझे बताइए गजेटेड और नॉन गजेटेड राजपत्रित अधिकारी आईपीएस और नॉन आईपीएस में क्या डिफरेंस होता है? बॉर्डर स्कीम का क्या मतलब है जी? एक आईपीएस अपने परिवार के साथ अपने गृह जनपद में पोस्टेड रहता है, अपने परिवार के साथ वो हर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को आप लोगों ने, इन लोगों ने जानवर की तरह संचालित कर रखा है, उनको 600-700 किलोमीटर दूर पदस्थ कर रखा है। एक गृह जनपद में अगर पति पत्नी दोनों एक विभाग में है तो एक साथ एक जनपद में पोस्टिंग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे पुलिस जवानों के परिवार हैं जिसमें पति पत्नी अलग अलग जनपद में रहने को मजबूर है। इसको आप एक उत्तम राज्य की श्रेणी की व्यवस्था मानते हैं? आपको पता है सामाजिक न्याय क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? आपको पता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होती है? उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के परिवार उजड़ रहे हैं, जवान आत्महत्या कर रहे हैं। अरे तो मैंने वही तो पूछा है, आपको बड़ी चिंता है तो वो बता दीजिए, जो बात चाय पीने मना कर दिए थे वो बता दीजिए। एक अच्छी व्यवस्था है जी,
अरे मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ बेबी भाई, डीजीपी अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। अरे बेबी पांडे जी, मैं तो आपके बात का समर्थन कर रहा हूँ, बड़ी चिंता है आपको, आप अच्छी बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है, जब आपके प्रमुख वहां जाके बोलते हैं कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो कल्याण की बात कैसे करते हैं आप लोग? जी नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले जी। ये भरोसा पुलिस के अधिकारियों ने तोड़ा है। अच्छा। पुलिस के नॉन गजेटेड कर्मचारियों की बात नहीं हो रही है यहाँ। अच्छा। यहाँ पे उनकी बात नहीं होती जो 3.25 लाख फोर्स के लगभग जवान है। अच्छा। जो कि अपनी दुर्व्यवस्था के शिकार है, इस पुलिस फोर्स के दुर्व्यवस्था के शिकार है। अच्छा। बात उन अधिकारियों की क्यों होती है केवल, जिनको की राजसी सुख प्राप्त है, जो अंग्रेजों की तरह शोषण कर रहे हैं लगातार। अच्छा। मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, एक पुलिस कर्मी की गलती पे उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होती है, लेकिन एक अधिकारी अगर बैठ करके मीडिया में झूठ परोसता है जिसको सीबीआई खारिज करती है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी, ये कौन सा चरित्र है? किसकी बात कर ली आपने भाई? आपको हाथरस कांड याद होगा जी, एक वरिष्ठ अधिकारी जी, मुझे लगता है कि शायद इस समय प्रोन्नति दी गई है उनको, उन्होंने कितने दिलेरी से उस समय कहा था बलात्कार नहीं हुआ, और सीबीआई ने उनकी बात को खारिज कर दिया था। अच्छा, तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ। आप उनकी गंभीरता या उनकी ईमानदारी क्यों सवाल नहीं उठाएंगे भाई? मुझे गंभीरता सबकी पता है। ठीक है। प्रवक्ता आप, ताकि भाई बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप, जब दिवाकर भाई बोल रहे थे, ऐसी क्या बात बोल दी, चुटकुला थोड़ा सुनाया था? नहीं, दिवाकर भाई को पुलिसिंग के बारे में पता क्या, ये बताइए पुलिस की समस्याओं। नहीं, वो तो आप अगली बार पूछ लीजिएगा, अभी पूछ लीजिए, मैं उनको मौका दूंगा, दिवाकर जी पूरा जवाब देंगे आपकी बात, उन्हीं को जवाब देना भाई, सत्ता पक्ष पर है। ताकि भाई मुस्कुरा रहे थे आप दिवाकर भाई की बात पे, कोई चुटकुला सुनाया था क्या उन्होंने? तारीफ कर रहे थे भाई सरकार की, डीजीपी की तारीफ कर, नए डीजीपी की यहाँ पे बता रहे थे, अच्छे डीजीपी हैं, आप मुस्कुरा रहे थे, आप भी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं जी, बोल लीजिए। देखिए गौरव भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं खुद पुलिस परिवार का हूँ। अच्छा। और मेरे परिवार से आईएएस टीचर्स हुए हैं, मेरे जो स्वर्गीय नाना जी थे वो आईपीएस। तकी भाई की आवाज उठाइए, क्योंकि मुझे तकी की आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक कीजिए जी। आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो मेरे नजर से बचपन से मैंने पुलिस की गोद में खेला हूँ, और पुलिस के लोग हमेशा मेरे हीरो रहे, और जो मैं अपने नाना का फोटो आज भी देखता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत आइडियल है, बहुत इज्जतदार व्यक्ति रहे हैं, और मैं सभी पुलिस विभाग के सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। और जो नए डीजीपी आए हैं डॉक्टर साहब राजकुमार शर्मा जी को, उनको मैं उससे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको सही। अच्छा, ठीक है। उसको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, बधाइयाँ देना चाहता हूँ जी, और उत्तर प्रदेश जनता को बहुत ही उससे उम्मीदें हैं, जनता को पुलिस से उम्मीद बहुत है, और पुलिस ऐसी चीज है जो सरकार से ऊपर है, सरकार ज्यादा लंबी पुलिस रखती है, और जो आईपीएस अफसर बनता है बड़ा कठिन परिश्रम करके बड़े इम्तिहान लेके आईपीएस बनता है। ठीक है, पता है सबको, पता है, नहीं जी बताइए। बेस्ट है जी, तो उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा, मुझे लगता है वो उम्मीदों को फिर उतरने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार ने जी पिछले कई सालों से लगातार जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, 1000 से ज्यादा इनकाउंटर किए गए हैं, कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और उसके बाद भी क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा। और आज भी जो है योगी सरकार के अंदर जो क्रिमिनल लोग हैं उनको मंत्री पद से बैठा दिया गया है। अच्छा। और जब इतने पहले खेलो शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग, सम्मानित लोग ऐसे किन्नर के आगे पैर पटक के सलाम करते हैं, तो सबसे ज्यादा बुरा अगर लगता है तो मुझे लगता है। अच्छा। तो पुलिस सम्मान के प्रति बहुत ही जब पुलिस वाले ऐसे लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, उनकी उनको सपोर्ट करते हैं, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। पुलिस अकाउंट है वो क्रिमिनल्स को बचाना नहीं है, क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करना है, भले सवाल रहेगा आपसे, आपने कहा एनकाउंटर 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, कस्टोडियल डेथ हुई है, तो दर्द किससे, कस्टोडियल डेथ से है कि एनकाउंटर से? देखिए दर्द तो जनता को है। अच्छा। और दर्द लोगों, अगर माफियाओं के एनकाउंटर हुए तो दर्द है क्या आपको? माफियाओं के, देखिए फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं तो माफियाओं के एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर दर्द है, फर्जी बोलिए ना आप, फर्जी एनकाउंटर। देखिए हम आप सब लोग बहुत सालों से यहाँ रहे हैं। अच्छा। बहुत सारी हादसों को होते देखा, बहुत से एनकाउंटर को देखा है। अच्छा। आपने दिल को हाल लगा जरा के बताइए कितने एनकाउंटर होते हैं सही होते हैं। अच्छा। कितने एनकाउंटर सही हुए? अच्छा। आपने देखा विकास दुबे की गाड़ी पलट दी गई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आपने यहाँ पे देखा, क्या आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? और बोर्ड से भी कहा था ऐसी वारदात और ऐसी हरकतें फिर नहीं होनी चाहिए जी। तो विकास दुबे की गाड़ी पलटी, अगर एनकाउंटर विकास दुबे ने अच्छा काम किया था क्या? 8-9 पुलिस कर्मी
आठ नौ पुलिसकर्मी मार दी तो दर्द किस बात का है? गाड़ी पलट गई तो उसमें आपको तकलीफ है क्या? सुनिए, बेंगलोर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उनके दिल में डर नहीं है, लेकिन बाद में वो पांचों के एनकाउंटर जो है फर्जी निकले और उस दिन जो पुलिस अफसर इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो आप ये बताइए कि और बहुत से एनकाउंटर बाद में फर्जी निकलते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कानून को अपना काम करने दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को फांसी होनी है, फांसी होनी चाहिए जी, फांसी हो, जल्द से जल्द फांसी हो जी, लेकिन कानून है। हैदराबाद की जो घटना तकी भाई आप बता रहे हैं, उसमें जो एनकाउंटर किए गए थे वो फर्जी हो या सही हो, फिलहाल मुझे ये पता है कि वहाँ की जनता बड़ी खुश थी। जनता कहना था कि जो हुआ सही हुआ। घटना भी आपको पूरी पता है, डॉक्टर लड़की थी, गलती क्या थी, दिक्कतें क्या थी, उसके बाद जो भी हुआ वो घटनाक्रम, वो परिस्थिति में उठाने नहीं बैठा हूँ, ना आप बैठे। मेरा मानना ये है कि जनता वहाँ कह रही थी ये ठीक हुआ। देखिए, दिल्ली में जो प्रकरण हुआ था 2011 में, जब गया कांड हुआ 2012 है, 2012 में जी, उसके बाद उनके चारों आरोपी पकड़े गए थे और उसको सबको फांसी दी गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। अच्छा, और मैं चाहता था जितने भी लोग वहां सबको फांसी, 8 साल लग गया था उसमें, जो भी जी जी 8 साल लग गए, 8 साल में निर्भया कांड में 8 साल लग गए थे जी। देखिए, कानून है तो प्ले क्लोज है, कानून है तो गो थ्रू आवर प्रोसीजर जी, तो जाना चाह करा तो ये सब कलम कर दो फौरन। अच्छा, तो ये कानून कहता है कि भाई किसी भी दोषी को, भले ही फैसला थोड़ा लेट हो जाए, किसी दोषी को सजा ना हो जी, हम जब पूरी तरह उसको सत्यापित करते हैं तब सजा दें जी। तो कानून का काम कानून के तरीके से होना चाहिए। अगर पुलिस भी बदमाशों की तरह खाए खाए मुझसे करने लगे और ठोको नीचे करने लगे, गोली चलाने लगे, तो ये बताइए पुलिस में और एक असामाजिक तत्व में, एक अपराधी में क्या फर्क रह गया? अच्छा, पुलिस ठाए ठाए नहीं करे, क्या करे पुलिस? फिर पुलिस क्या करे, माला चलाए, क्या चाहते हैं? पुलिस के जवान मरते, इतना दर्द आपको होता है? अभी प्रयागराज में दो जवान मरे, दर्द आपको हुआ कि नहीं हुआ? देखिए बाबा, भीमराव अंबेडकर ने कानून, नहीं दर्द आपको हुआ कि नहीं हुआ ये बता दीजिए मुझे। भीमराव जी ने कानून बनाया, उसको सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अरे सम्मान, अरे मैं तो दर्द की बता रहा हूँ, इतने दर्द आप एनकाउंटर पर बता रहे हैं। अभी दो जवान शहीद हुए हैं, उनकी हत्या कर दी गई, उस पर आपको दर्द हुआ, उसकी बात तो आपने नहीं की। अरे जब पुलिस के जवान, वो भी हत्या ही है, वो भी किसी का जीवन गया है, वो परिवार विनाश हुआ है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए तकी भाई, मेरा कहना ये है जी। मैं कह रहा हूँ बाबा, भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया था तो उनके सीने में दर्द नहीं था क्या? अरे बिल्कुल था, दर्द बिल्कुल था। तो फिर उन्होंने कानून क्यों बनाया? तो उन्होंने ये कहा था कि आप समानता से देखें, समानता का अधिकार हमारा देश संविधान हमको देता है, समान रूप से देखिए। कोई व्यक्ति अपराधी है जी, और ये लग रहा है अपराध के व्यक्ति, उसको कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखने का अधिकार है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले ठीक है। दर्द मुझे, मैं मुझे दर्द जानता हूँ, मुझे दर्द पता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दर्द पता है। अब बीर भाई बताएंगे हमको, आपको दर्द आ गया, मुझे पता है दर्द है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल ठीक है, संविधान से चलेगा, न्याय चलेगा, समानता से चलेगा भाई। अगर जवान पुलिस का हो, अगर आप एनकाउंटर पर उंगली उठा रहे हैं, तो आपको उनका दर्द भी समझना पड़ेगा। जो जवान मारे जाते हैं, जिनको सरेआम गोली मार दी जाती है, परिवार उनका भी अनाथ होता है, दर्द उनका भी समझिए भाई, तकी भाई जी। विवेक भाई, यहाँ पर पुलिस वेलफेयर की बात कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन किया हूँ, वो दर्द समझ रहे हैं, पर दर्द आप नहीं समझ रहे हैं। आप यहाँ पर अगर एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूँ, अगर फर्जी है तकी भाई, अगर फर्जी एनकाउंटर है तो मैं आपका समर्थन करता हूँ, पर उन पुलिस वालों के लिए भी उतनी ही आत्मीयता, उतना दर्द होना चाहिए जो दर्द आपको फर्जी एनकाउंटर के साथ लोगों के साथ है। ठीक है, प्रवक्ता राहुल विप्रम मिश्रा बोलेंगे। हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात, आ गई आप नहीं, अब नहीं आपकी बात आ गई, ठीक है, विप्रम मिश्रा बोलेंगे, नहीं आपकी बात आ गई। तकी भाई अगले टर्न पे बोलिएगा, अगले टर्न पे बोलिएगा, नहीं अभी नहीं, अगले टर्न पे बोलिएगा तकी भाई, अगले टर्न पे प्लीज प्लीज। मिश्रा जी बात रखिए, बोलिए बताएं जी। मिश्रा जी, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। राजकुमार विश्वकर्मा विधायक छवि के IPS 88 बैच के हैं, उनको यहाँ पर नियुक्ति दी गई है, कार्यवाहक नियुक्ति है, और लगातार सपा प्रमुख इस पर उंगली उठाते रहे कि कार्यवाहक DGP क्यों भाई होना भी चाहिए, 25 करोड़ की आबादी है, नियुक्ति परमानेंट होनी चाहिए, पर यहाँ पर फिर कार्यवाहक DGP मई में वो ये भी रिटायर्ड हो जाएगी, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को मई के बाद एक स्थायी DGP मिले, पर इस दौरान जिस तरह के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, सरकार क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, इस तरह के आरोप है, कैसे देखते पूरे घटनाक्रम जी? देखिए गौरव जी जी,
प्रश्न ये है कि प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी क्यों? जी मतलब एक अस्थाई डीजीपी जी हम नहीं दे पा रहे हैं 25 करोड़ जनता को जी, तो ये प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और विपक्ष होने के नाते हम ये प्रश्न कब पैदा करते हैं जी? डीजीपी की कुर्सी पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान जी, आज वो बैठे हैं जी, उनको बहुत ढेर सारी बधाई जी। लेकिन जी, अभी कुछ समय पहले जब खतौली में और रामपुर में जी, चुनाव हुआ था जी, उस दौरान जो पुलिस की भूमिका थी जी, वो भूमिका संदिग्ध थी। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि जैसे चुनाव अच्छा भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि सीधे पुलिस लड़ रही। खतौली में, खतौली और रामपुर दोनों जगह। आप तो खतौली जीत गए। आप देखिए, जीतने से मुद्दा समाप्त तो नहीं होता। अच्छा। हम जीते या चुनाव हारे, कन्नौज में हम नहीं जीतते, कन्नौज में तो हमारे साथी जीतते। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जीतती। अच्छा। तो क्या वो मुद्दा समाप्त हो जाता? नहीं, कन्नौज या कन्नौज में जो घटनाक्रम घटित हुआ पुलिस के द्वारा चुनाव जीतने के बाद, क्या वो मुद्दे समाप्त हो गए? पुलिस चुनाव लड़ा जाता है। देखिए, पुलिस चुनाव लड़ रही थी, पुलिस की जो कार्यशैली थी वो संतोषजनक नहीं थी, इस पर प्रश्न चिन्ह उस समय भी आया था। हम चुनाव आयोग गए, हमने बाकायदा शासन प्रशासन को उनकी गतिविधियों से अवगत कराया, और इसी नाते विपक्ष इस बात को कहता है कि अस्थाई डीजीपी अगर होगा तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा होगी, उनकी जवाबदेही ज्यादा होगी। आप बताइए कि खतौली में जो सीओ राकेश सिंह ने घटनाक्रम को अंजाम दिया था जी, क्या यही पुलिस का दायित्व बनता है जी, कि किसी भी व्यक्ति को जी, आप ये चेक करें कि साहब आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, आप वोट कैसे डालेंगे जी? ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल। पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को दुरुस्त। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। इसलिए हम ये कह रहे हैं जी, कि प्रदेश में जी, लगातार जी, कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है, और प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दृष्टि से अस्थाई डीजीपी होना अनिवार्य है, जिसकी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे, ये हमारी मांग है। ठीक। और इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। सवाल मेरा छोटा सा रहेगा, उस पर जवाब दीप भाई को लेता हूँ। फिर भाई, आपने तमाम बातें कही, खतौली चुनाव की, रामपुर चुनाव की, कन्नौज चुनाव की। कन्नौज चुनाव में डिंपल यादव 288,000 से ज्यादा वोट से जीत कर आए, रामपुर आप हार गए, आपका और आपका गठबंधन, और खतौली आप जीत कर आए। ये दो जगह आप जीतते हैं, एक जगह हारते हैं, पर उस हार पर पुलिस पर आपने क्यों प्रश्न उठाया, दो जीत पर क्यों नहीं उठाया? गौरव जी, आपको शायद इस बात का ख्याल होगा कि उस दौरान जब आपने डिबेट कराई थी, मुझे याद है, तभी भी मैंने ये कहा था जी, कि वहां पे जी, जो पुलिस की कार्यशैली रामपुर में है जी, चुनाव जीतने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हम 288,000 से जीते या हम 24,000 से जीते या हम 40,000 से हारे, बात जीतने और हारने की नहीं है, बात है कानून व्यवस्था। अच्छा, ठीक। तो कानून व्यवस्था को लेकर के जो प्रश्न हमने उठाए थे वो रामपुर में भी उठाए, और वो प्रश्न हमने खतौली जीतने के बाद भी उठाए और मैनपुरी जीतने के बाद भी उठाए। अच्छा। उस पर आप हमसे ये नहीं कह सकते हैं कि रामपुर में आपने प्रश्न नहीं उठाया और खतौली में आपने प्रश्न उठाया। हम चुनाव जीत गए थे, अगर जीत ही इस चुनाव पैमाना है, देखिए अगर जीत की बात है तो जीत जाने के बाद अगर हमने वो मुद्दे समाप्त कर दिए होते तो आप ये कह सकते थे कि जीतने के बाद आपने मुद्दों को समाप्त कर दिया और हारने के बाद आपने मुद्दों को जिंदा रखा। ठीक है, ठीक। हमने दिलीप भाई बोलेंगे, रामपुर में भी वही बात कही और वही बात खतौली और वही बात मैनपुरी में भी कही कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो लेकिन पुलिस को अपनी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ठीक है दिलीप भाई, पूरा विश्लेषण आपको करना है, व्यवस्था, नियुक्ति, पद, कार्य क्षमता और अब तक का सेवा काल जिस तरह से डीएस चौहान का रहा, कैसे देखते हैं? गौरव जी, अगर आप सामान्य रूप से देखेंगे तो ऑफिसर दिलीप भाई की आवाज, चार्ज और एक्टिंग ऑफिसर, आवाज बढ़ाओ, आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, बोलिए बोलिए दिलीप भाई, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो परमानेंट पोस्ट पर एक्टिंग ऑफिसर में कोई विशेष फर्क नहीं होता जी, लेकिन जी अगर फर्क नहीं होता तो परमानेंट पोस्ट नहीं बनता। बिल्कुल। और परमानेंट पोस्ट होने का मतलब है कि वो व्यक्ति जो उस कुर्सी पर बैठाना चाहेगा जवाब दे, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होगी, कुछ जवाब जो एक्टिंग ऑफिसर की नहीं जी। और एक्टिंग ऑफिसर को बैठा लेने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी विभाग में जी, वो सिर्फ ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाहियां हैं जी वो चलती रहे
जी। उनका रुकाव ना हो और कहीं पर किसी की जिम्मेदारी वैसे ना तय हो कि उस खालियत में काम कौन करेगा। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जहां पर वाकई में जिम्मेदारी तय करी जाती है, वो काम कभी भी ऑफिसर, जो एक्टिंग ऑफिसर होता है, वो नहीं करता। दूसरी बात क्या होती है, एक्टिंग ऑफिसर का मतलब उसके पास परमानेंट चार्ज कहीं और का होता है और टाइम बिंग चार्ज किसी और जगह का होता है। तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति परमानेंट चार्ज देकर के बैठा है उसकी प्राइमरी फोकस वहां की कार्यवाहियों पर होना की भाग ही जहां पर एक्टिंग ऑफिसर के नाम का। पुलिस विभाग एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है और सबसे बड़ी बात यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है जीरो टॉलरेंस की बात, लॉ ऑर्डर को बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, माफिया कांप रहे हैं, भाग रहे हैं, नहीं आना चाह रहे हैं, एनकाउंटर जाना है, जेल में बंद हो जाना है, सारी बात सही है जी। लेकिन इसके बावजूद भी आप खुद ये बताएं कि आप उस पोस्ट पर परमानेंट आदमी क्यों नहीं लेकर गया। एक प्रक्रिया होती है, कि यूपी गवर्नमेंट यूपीएससी को नाम भेजेगी, यूपीएससी उस नाम में से तीन नाम सेलेक्ट करके भेजेगा, फिर सरकार को भेजेगा, फिर सरकार किसी एक को अपॉइंट करेगी। लेकिन ये प्रक्रिया को त्वरित करना ये भी तो आप ही के हाथ में, यूपीएससी का डिसीजन ऐसा नहीं कि बहुत दिन लंबित रह जाएगा अगर आप उसका प्रपोजल भाई आपको आवाज आ रही है। तो यहाँ पर एक सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि ऐसा कौन सा कारण है जी। मैं कहता हूँ सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन उसके बावजूद भी परमानेंट पोस्टिंग तो होनी चाहिए ना, इस बात को सरकार नकार नहीं सकती है। और अगर नहीं हो रही है और आप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चला रहे, इस बात का सीना आप ठोकते हैं, आपका दावा एकदम ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आप परमानेंट पोस्टिंग के प्रमुख पोस्ट पर क्यों नहीं कर रहे जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। दिवाकर जी आपको सभी बार का जवाब दे रहा है जी, बहुत नाराज थे आप बे पांडे से, सही मोहम्मद तकी से, कैसे देखते हैं जी? तकी भाई तो अपने हैं, इनको तो हमेशा हम ठीक है, इनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जितने इनकी सोच है उतना आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन मैं माननीय सपा के अपने भाई पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चलिए हम लोगों के ज्ञान के बारे में भी उनको थोड़ी दिक्कत है कि हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। तो पांडे जी ठीक है, सामने वाले को हमेशा हर आदमी सोचता है कि अज्ञानी है और मैं ही ज्ञानी हूँ, ये आपके गुण को मैं तारीफ करता हूँ, ऐसा होना भी चाहिए लीडर को जी, ठीक है। लेकिन आपने जहाँ तक कहा शासन की बात, शासन पे उंगली उठाने की बात आप कर रहे हैं ना जी, शासन पे जो आप उंगली उठा रहे हैं जी, आप तुलना कर लीजिए अपनी सरकार के शासन को और हमारी सरकार के शासन को जी, जाइए मत तुलना करिए जी, चलेगा बोलते आप बोलते रहिए, बोलते क्या तुल आप सुनेंगे नहीं तो तुलना करेंगे। तकी साहब आप सुनिए, आप सुनिए, आप तुलना कर रहे थे, आपको कौन से, हाँ मैं कह रहा हूँ पांडे जी आपको कौन से डिप्टी एसपी शैलेंद्र जी का याद आपको नहीं रहा होगा जी, तो उनके साथ आपकी सरकार ने क्या बर्ताव किया था पूरी जनता जानी जी, ये आपको नहीं याद होगा कि आपकी सरकार में क्या होता था जी, कितना मनोबल बढ़ा था अपराधियों का जी, कार्रवाई किस पे हुई थी जी, शैलेंद्र जी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ी जी, रिजाइन देना पड़ा जी, मजबूर कर दिया गया रिजाइन देने के लिए, आत्महत्या के कारण कई हो सकते हैं, हमारे मानोभाव होते हैं उसको हम नहीं कहते हैं जी, लेकिन रिजाइन देना पड़ा, इसको आप किस नजर से देखते हैं, इसमें ध्यान दे दीजिएगा कि आपकी सरकार की गुडविल क्या थी जी। दूसरा आपके समय में कांड हुआ, सुन लीजिए ये है कि एक अनिरुद्ध सिंह का 20 लाख का वीडियो वायरल हुआ, बताइए क्या कार्रवाई, आप सुनिए ना, वीडियो की सत्यता बाद में देखी जाएगी, वीडियो की सत्यता बाद में देखी जाएगी, कोर्ट का विषय है। और सरकार में सुन लीजिए हमारी सरकार में यूपी पुलिस के जवानों की बात नहीं, आप हमारी बात सुनिए, ग्रेड पे की बढ़ोतरी कब होगी, आप सुनिए पहले, आप कहाँ कार्मिक में जा रहे हैं भाई, कार्मिक में आप जा रहे हैं, कार्मिक में मत जाइए आप, ये कार्मिक का काम है, ये कार्मिक का काम है, आपको पता होना चाहिए, कार्मिक का अलग डिपार्टमेंट होता है, नियुक्ति विभाग अलग होता है, आपको सुनना पड़ेगा, आपके आपको सुनना पड़ेगा, नियुक्ति विभाग को मत देखिए, नियुक्ति विभाग अपना काम कर रही है, भारतीय पुलिस बोर्ड है, भारतीय पुलिस बोर्ड के हिसाब से काम कर रही है, आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आपके समय में लिस्ट जाती थी, भर्ती नहीं होती थी, लिस्ट जाती थी, रिजल्ट आता था, और सुन लीजिए, लिस्ट जाती थी, रिजल्ट आता था, और आप क्या बात करेंगे, आप सरकार पे उंगली उठाने पहले पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, और सरकार अगर कोई कमी रहेगी, कोई अगर कोई अधिकारी गलती करेगा, या सरकार किसी को भी मत सकेगी नहीं,
या सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। दूसरा सबसे ज्वलंत उदाहरण देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का देख लीजिए, जिया उल हक की घटना क्या इस सरकार में दोहराई गई? जिया उल की घटना बता रहा है भाई, जिया उल हक की घटना क्या इस सरकार में दोहराई गई? जिया उल की घटना बता रहा है, जिया उल हक की घटना इस सरकार में किसी माफिया की किसी भी गैंग को किसी भी अपराधी की हिम्मत है क्या दुर्घटना टोला दे पांडे जी की है? सुभाष दुबे पे जो आप राग अलाप रहे थे जी, सुभाष दुबे पे जो तकी भाई राग अलाप रहे थे, सात पुलिस वालों पर रंग की चिंता जलाने की बात आ रही थी और उसकी गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई तो आपको तकलीफ हो रहा है? तो सात सात डीआईजी सात भाइयों के साथ पुलिस के जवानों के साथ पुलिस के अधिकारियों की जो एक पे एक रख के जलाने जा रहा था और उसकी गाड़ी पलट गई एक्सीडेंटल हो गया, आज तक वो बात आप लोग दोहराते हैं? अरे पूछिए ना, आप कह रहे हैं तकी भाई, और सुन लीजिए, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को लाए जनता को लाए मतलब है जनता को लाए से मतलब है, और जो भी कार्यवाही कर रहे हैं चाहे परमानेंट रहे सबकी जिम्मेदारी समान होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। डीजीपी सुन लीजिए, कार्यवाहक को छोड़िए ना भाई, कार्यवाही की मजबूरियां नहीं होती है, इसमें पावर होता है। अरे मुख्यमंत्री कहाँ कार्यवाहक है तो कार्यवाहक नहीं होगी, मुख्यमंत्री कहाँ कार्यवाहक हो गया? जो भी कमियां होंगी दूर की जाएगी और परमानेंट, और यह सरकार का काम उच्च स्तरीय लोगों का काम है। एक भी आप बता दीजिए ना, एक भी पुलिस का अधिकारी रिटायर होने के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद अगर आरोप लगाया हो इस सरकार पे, बता दीजिए कि हमको कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाता। बता दीजिए कोई भी एक अधिकारी बता दीजिए आप। मैं आज बता रहा हूँ, मैं चैनल पे देख रहा था जी, हमारे असीम अरविंद जी पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो तुलनात्मक में कहे आज पुलिस को पूरा कार्य करने का अवसर दिया जाता है। अब तब देखना पड़ता था कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की मंशा से तब कार्य करना पड़ता था। आज हमको अपने विवेक से तुरंत जस्ट एक्शन लेने की हमको आज पूरी छूट है, जस्ट एक्शन लेने की पुलिस की जिम्मेदारी होती है। सामने से गोली चले तो पूछे ना ऊपर, कह रहे साहब गोली चल रही है मैं क्या करूं? अच्छा, यह पुलिस का काम नहीं पूछना, पुलिस का काम है एक गोली चले चार गोली मारो, लीजिए चार गोली मारो। अच्छा, अब पूरी सरकार में छूट है भाई, अभी बड़ी महिमा मंडित सही है मोहम्मद, ताकि फर्जी काउंटर की बात कर रहे थे, महिमा मंडित किए हैं जो पुलिस वाले जब इलाहाबाद में मारे गए जी, तो उनके लिए माला लेके दौड़े जी, हमारी सरकार माला लेके नहीं दौड़ेगी जी, जो भी रहेगा पाताल में रहेगा उसको खोज के निकाला जाएगा। पाताल कार्यवाहक डीजीपी से नहीं मतलब है, जो डीजीपी नहीं हमारे जिले का एसपी स्वतंत्र है कार्रवाई करने के, डीजीपी की बात भी छोड़िए, डीजीपी से पूछना है, कार्रवाई उसको देनी है, उसको रिजल्ट दे रहा है। दिवाकर भाई, आप लगा रहे थे गाड़ी पलटना मीडिया से लेके सारे लोग उसके पेशाब करने तक की फोटो आप दिखा रहे थे और कहीं आपको कुछ नहीं दिखाने का था, और सुरक्षित आए और सुरक्षित गए जी। सरकार की मंशा एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट सब सरकार नहीं करती है। अच्छा, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, हमारे महाराज जी ने कहा है कि एक्सीडेंट कहीं भी किसी भी एक्सीडेंट हो सकता है। फर्जी एनकाउंटर बोल रहे थे, कस्टोडियन बोल रहे थे, असीम अरुण जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सरकार की तरफ नहीं देखने की जरूरत है। अच्छा, हमारे जिले का एसपी स्वयं निर्णय लेने का अधिकारी होता है कि तुरंत क्या कार्रवाई करनी है, सरकार देती है। विवेक पांडे जवाब दीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर दी, चलिए अच्छी बात है, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है सरकार को डिफेंड करना। मैंने एक सवाल उठाया था अभी कुछ दिन पहले, अनिरुद्ध सिंह जी का एक वीडियो वायरल हुआ था 20 लाख के घूस मांगते हुए, क्या कार्रवाई की गई जरा बताएंगे, स्पष्ट करेंगे जी। आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के सेन यादव के साथ क्या हो रहा है, चुप रहिए बात, सेन यादव के साथ क्या हो रहा है बताइए ना, आप बताइए ना भाई, बड़बड़ा क्या रहे हैं? मित्र सेन यादव के साथ कार्रवाई हुई कि नहीं, अभी जेल में है कि नहीं, आप बताइए ना जेल में है कि नहीं मित्र सेन यादव, आईपीएस है जेल में है कि नहीं, अगर जो गलती करेगा सिद्ध होगा वो जेल में जाएगा। ठीक है, विवेक पांडे बोलिए, हमने दोनों बात बता दी, विवेक पांडे बोलिए, अगर गलती है तो उसको माफ नहीं किया जाए, मित्र सेन यादव उदाहरण है, दो साल से जेल में है, खत्म कहानी, बोलिए, सुनिए, बहुत बोल चुके हैं आप, सुनिए, हाँ, तो संयम रखिए, जरा सुनना सीखिए, सत्ता सत्ता पक्ष आप, विपक्ष नहीं है जी।
इलाहाबाद प्रयागराज में इनके मंत्री का कनेक्शन, इनके ऊपर आरोप लगा 5 करोड़ का, अगर स्थायी डीजीपी होता शायद जांच करवा देता। अच्छा, कार्यकारी डीजीपी के होने का परिणाम है कि नंदी का ना इस्तीफा हुआ ना नंदी पे कोई जांच बैठी, और कार्यकारी डीजीपी साहब ने प्रयास भी किया होगा तो फटकार लग गई होगी शायद लोगों को। भाई नंदी के और अतीत के क्या बोले, आरोप लगाना बड़ा आसान काम है, कोई जांच क्यों नहीं? अच्छा क्यों नहीं उस पर जांच क्यों नहीं? वो भी तो कानून व्यवस्था का एक पार्ट है। पांच करोड़ सुविधा शुल्क था क्या? 5 करोड़ हिस्सेदारी थी क्या सरकार की? भाई गुजरात में किसकी सरकार थी? भाजपा की। उत्तर प्रदेश किसकी सरकार? भाजपा की। अगर वो गुजरात में बैठ के संचालित कर रहा था तो कमियां किसकी, सुविधाएं कौन दे रहा था? भाजपा सरकार दे रही थी। अच्छा, तो 5 करोड़ के कनेक्शन की जांच तो करवा नहीं पाए, बैठ के पुलिस की बात करेंगे। दूसरी बात, मैंने इनसे एक सवाल पूछा पूरे मंच पे, जो डिजिटल इंडिया की बात होती है गौरव भाई, डिजिटल इंडिया क्या कारण है कि पुलिस विभाग में नहीं लागू होता, बाकी हर विभाग में चल रहा है? डीए टीए मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए आज भी बाबुओं पे डिपेंड होना पड़ता है, इसके जवानों को कमीशन खोरी चलती है। अरे चर्चा अलग कर लीजिएगा। अरे सुन लीजिए भाई, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, सुन लीजिए बड़बड़ाइए मत, देखिए तमीज नहीं है। अरे भाई आराम से डिबेट करना, आराम से बोलिए, बोलेंगे तो सुन। अरे आराम से बोलिए, आराम से नियुक्ति विभाग नहीं, गलत नहीं, सुन लीजिए देना, फिर बोल रहा हूँ, आईएएस पे कार्मिक विभाग है, आप बताइए अलग है, उनकी है, सुनिए पहले इधर, आप बताइए मुझे पुलिस विभाग से क्या मेडिकल रिइंबर्समेंट का ये क्या ऑनलाइन है? ऑनलाइन है, इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए पहली बात। दूसरी बात, बॉर्डर स्कीम के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा उसको स्पष्ट कर दीजिएगा। बॉर्डर स्कीम की वजह से परिवारों को क्या नुकसान हो रहा है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो सिद्धांत है, संवैधानिक सिद्धांत, उसकी कितनी अवहेला हो रही है उसको भी स्पष्ट कीजिए। बॉर्डर स्कीम के बारे में कुछ पता भी है? चिल्ला रहे हैं, बॉर्डर स्कीम के बारे में कुछ जानते हैं? पुलिस की सेकेंड एसीपी थर्ड एसीपी कितनी होती जरा बताइए, कार्यकारी सरकारों से लागू है। अरे सुन लीजिए भाई, बहुत पुरानी है, इनको पता कुछ नहीं है, बस बैठ गए पुलिस पुरानी है, डंडा और सरकारों से है, आप सुन लीजिए, पुलिस पता है जो चुनाव में इस्तेमाल सरकार के कार्य को चली आ रही है, सरकार के कार्य को बताइए तो पुराना है, एक बार गौरव के जिले में नहीं रहेंगे। जब तक योगी जी की मंशा साफ है, जब तक अपने किसी सजाती को स्थायी डीजीपी नहीं बनाएंगे वो अगला चुनाव नहीं जीतेंगे। राष्ट्रवादी पार्टी पूरी मंशा है, केवल आरोप नहीं लगा लेंगे तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। जात की पार्टी, जात का आरोप जब तक आप नहीं लगा आरोप लगा रहा हूँ, योगी जी कोई जात नहीं है, योगी जी कोई जात नहीं है, योगी डिबेट हो रही है, आपकी डिबेट में ये बात बोल रहा हूँ। पूरी मंशा है किसी सजातीय को स्थायी डीजीपी पद पे लाने की, ताकि अगले चुनाव को जीत सके। अच्छा, ये इनकी मंशा, अगर इतनी साफ हो जाए, अभी चुनाव हुआ कि नहीं, अभी चुनाव हुआ कि नहीं, अरे सुन लीजिए गौरव भाई, मेरी बात लीजिए, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के बारे में बताइए कि उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है? उत्तर प्रदेश में मॉडल पुलिस एक्ट के को लेकर के पुलिस कंटेम्प्ट, उत्तर प्रदेश सरकार कंटेम्प्ट क्यों झेल रही है सुप्रीम कोर्ट में? भाई मॉडल पुलिस एक्ट के बारे में दिवाकर जी क्या जानते हैं आप? जी आप बैठ गए हैं डिबेट कर रहे हैं, बताइए मॉडल पुलिस एक्ट के क्या प्रावधान है? पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी क्या होती है? राज्य सुरक्षा आयोग आते ही आपकी योगी जी ने क्यों भंग कर दी थी बताइए? अगर आपको पुलिस के बारे में बहुत जानकारी है, एफआईआर नहीं होता था, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, हर एफआईआर हर ऑनलाइन तक की सुविधा है, आपके समय एफआईआर ऑनलाइन छोड़ दीजिए ना, मैंने आपको सवाल पूछा, ये भी ऑनलाइन है, ये व्यवस्था है, ये ऑनलाइन है क्या, पुलिस एक्ट समझिए, ये मेडिकल लीव ऑनलाइन है, बॉर्डर लाइन के जो आप बात कर रहे हैं सबसे पहले आप तुलना करिए, बॉर्डर लाइन हमारे सरकार में नहीं आया है, बॉर्डर लाइन पहले की सरकारों से चला आ रहा है, ये व्यवस्था है, मैनुअल ट्रांसफर एक व्यवस्था है, क्या पता है, और ट्रांसफर जवाब दीजिए। मैं 3 सवाल पूछूंगा, सीमित सवाल अगर ये लेना चाहे जी, भाजपा प्रवक्ता कितना जानते हैं अपने सरकार के बारे में? 3 सवाल में ये जाहिर कर देंगे, पहला बॉर्डर स्कीम के बारे में क्या जानते हैं बता दें। अच्छा। दूसरा मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के प्रावधान उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं है वो बता दें। सरकार कंटेम्प्ट क्यों झेल रही है सुप्रीम कोर्ट में? और तीसरा, इन्होंने जो डिजिटल इंडिया ऑनलाइन की बात की, क्या मेडिकल रिइंबर्समेंट, टीए डीए मेडिकल, इनकी लीव पुलिस वालों की सीएलईएल ऑनलाइन है, आया नाम जवाब दे दे, 3 सवाल बता दे, मैं मान जाऊंगा इनको जवाब लेता हूं, सरकार पुलिस को लेकर गंभीर है। ये बता दे 3 सवालों के जवाब। बॉर्डर स्कीम पे आप सुन लीजिए, ये पुरानी व्यवस्था है, नई व्यवस्था नहीं है, बॉर्डर स्कीम तक अपने जनपद में अधिकारी पुलिस का नहीं रहता है, ठीक
पुलिस जो हमारी है अधिकारी रहता है, इनको पता ही नहीं है, जवानों को नहीं रखा जाता, अधिकारी कहीं नहीं रहता। दरोगाओं पे तो ये लागू ही नहीं थी कभी, एक भी लागू नहीं है। दरोगाओं को भी इस पे लपेट दिया इन्होंने, जिसके कारण ये प्रयागराज जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश झेल रहा है। एक भी उदाहरण बता दे, कोई अधिकारी जंगल राज्य जो स्थापित है, दूसरा बात सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं आपको। पहली बात आप सुन लीजिए, यह बॉर्डर स्कीम पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है, हमारी सरकार उस पर कार्य कर रही है। पुलिस की जो व्यवस्था, जिले के बगल के जिले का आदमी, कोई कार्य नहीं कर रही। 1861 का अंग्रेजों का कानून, जिसने हमारे देश के सुनने का पहला सवाल सिद्धांतवादी राष्ट्र भक्तों की जान ली, उसको लागू कर, मॉडल पुलिस एक्ट लागू क्यों नहीं कर। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, समय का स्वदेशी है भाई, अरे स्वदेशी है। मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था, मोदी जी ने स्वदेशी का नारा किया था, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के बारे में बात करिए ना। जवाब तो जवाब दे रही है, जवाब दे रहे हैं वो, बॉर्डर लाइन का आप जवाब पा गए। मॉडर्न पुलिस को हम लोग इतना जानते नहीं, मुझे नहीं मिला। इन्होंने अधिकारियों के लिए कहा, अधिकारियों को बॉर्डर स्कीम लागू नहीं होती, सॉरी इनको नहीं पता है, सुन लीजिए। एक भी बॉर्डर स्कीम लागू हो या न हो, लेकिन मुझे जरा आप अपने ज्ञान से बता दीजिए, एक पुलिस का अफसर अपने जिले में पोस्ट हो तो बता दीजिए, बता दीजिए उदाहरण। क्या सवाल पूछा है? अपने जिले में पोस्ट हो, अपने जिले में पोस्ट हो जी, एक भी पुलिस का अधिकारी बता दीजिए जो अपने जिले में पोस्ट। गौरव भाई, उन्नाव प्रकरण शायद ये भूल गए, सेंगर का जी, सेंगर का उन्नाव प्रकरण शायद ये भूल गए, इनको बोलिए दोबारा एक बार अपनी स्मृति को ताजा कर लें जी। आप हमारे आरोप लगाएंगे, हमको पढ़ाने के लिए बैठे हैं आप, सुन लीजिए, आप हमको पढ़ाने के लिए बैठे हैं तो पढ़ा लीजिए, हमारे आप क्लास ले लीजिए एक दिन, हम आपकी क्लास पढ़ लेंगे। आप जवाब लेना नहीं चाहते हैं, खाली क्वेश्चन सुनिए भाई। अरे क्या सुने, क्या सुने सेंगर को? सेंगर के बारे में न्याय हुआ जनता जानते, पुलिस का जवाब जनता से नहीं, पुलिस का जवान, पुलिस का जवाब जनता को देना है, जनता के लिए पुलिस बैठी हुई है। एक आईपीएस को तो तीसरे स्टेट की पोस्टिंग मिलनी चाहिए गौरव भाई, पुलिस एक आईपीएस को तीसरे को पोस्टिंग मिलनी चाहिए। पुलिस के कार्यशैली पे आपके पास कोई, पुलिस की कार्यशैली पे आप लोग नहीं है भाई, आप लोग डिबेट में नहीं है, बाकी लोग के पास कोई आरोप नहीं है। और बोलेंगे दूसरी सुन लीजिए, मॉडर्न पुलिस के एक्ट में जो आप कर रहे हैं, मॉडर्न पुलिस एक्ट जितनी भी संसाधनों के हिसाब से सुविधा देनी है, पुलिस के वेतन भत्ते के अलावा कैजुअल्टी पे जो हमारी सरकार का निचले स्तर का, अरे सुनेंगे पहले सुनेंगे, कैजुअल्टी पे जो तुरंत 50 लाख की व्यवस्था भी दिया गया है, ये किस सरकार में था जी? किस सरकार में था? इलाहाबाद प्रकरण में कितना देर लगा? और डीजीपी स्तर का आदमी जो हमारे आजमगढ़ का केवट भाई का लड़का मारा गया, सीधे उन्होंने बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई मैं डीजीपी डीएस चौहान बोल रहा हूँ, आपके सरकार में बता दी कब सीधे किसी परिवार के किसी शहीद परिवार घर से डीजीपी बात करता था, एसपी को भेज करके, एसपी को भेज करके और सीधे ऑडियो वीडियो से बात कराई। आप क्या बोलेंगे? पीएडीए की जो बात करें, वर्दी की बात देख लीजिए, सारी बातें देख लीजिए और सुनवाई देख लीजिए और जितना देख लीजिए, समस्याओं पे देख लीजिए। जनता के पास पुलिस पे आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है, जनता के पास अपराधी खोजे जाएंगे कि नहीं खोजे जाएंगे बता दे। बोलिए ताकि भाई, बोलिए बोलिए। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण दो तीन बातें बताना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, ताकि जो भी होता है आपकी डिबेट में सुनना है कुछ लेके जाए। बोलिए। पुलिस जो है न्यूट्रलाइजिंग एजेंट होता है, उसका काम होता है कि चीजों को न्यूट्रलाइज करना, ना कि उसके ऊपर अपना फैसला थोप देना। और जो भी पुलिस आती है वो सरकार के प्रति जो है प्रतिष्ठा का और संविधान की प्रतिज्ञा का उसका शपथ लेके आती है, किसी पार्टी विशेष की प्रतिष्ठा का शपथ लेके नहीं आती। उसका पहला जो धर्म है, उसका पहला कर्तव्य है, वो समाज के प्रति है, देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति है, उसके कानून के प्रति है। और उसका कभी भी कोई कानून पुलिस को किसी को मार देने की इजाजत नहीं देता, जब तक कि वहाँ की कंडीशन ऐसा ना हो पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं हो, लास्ट विकल्प होता है। अच्छा। उससे पहले पुलिस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं उस चीज को न्यूट्रलाइज करने का, उसका कंट्रोल करने का, उसको ओवर पावर करने का। अच्छा। सीधे गोली मार देना पुलिस के पास कहीं राइट रहेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपराधी को राइट है कि वो सीधे गोली मार सकता है, ठीक है, मारता रहे, ठीक है, ठीक, हो गया, पुलिस माला लेके घूमती रहे। और आप लोग इस तरह की जाति और धर्म की बातें करने वाले क्या बताएंगे? अपराधी
ये कानूनी पढ़ाई पढ़ के नहीं आता जी। कानूनी पढ़ाई वो गोली मारे उसको गोली नहीं भाई, यहाँ मेरा कहना है गोली को गोली नहीं मिली यहाँ पर, मैं गोली मारे माला जाना चाहिए, संविधान सम्मान गोली मिले माला जाना चाहिए, यहाँ पर हर आदमी को आना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है तकी भाई जी, आप गोली मत मारिए, अगर कोई आदमी आपको मारेगा हम बहुत आदमी है, मार सकते हैं, पुलिस की केवल नौकरी अधिकार है, अधिकार पुलिस के लिए नहीं आता है, हमारे हथियार गोली नहीं है, हमारी दिमागर जी गोली नहीं चलाती है, हम हाथ जोड़ते हैं, दिमागर जी से आप व्यवहार की उम्मीद दिवाकर जी, दिवाकर अपराधी को दिवाकर से काफ्टर से दिवाकर से काफ्टर से पहुंचाया जाए, दिवाकर जी प्लीज ताकि भाई यहाँ मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस भी तो मानव है और वो भी जनता ही है, वो संविधान अधिकार देता है, अगर आपको कोई लगता है कि कोई आदमी आपकी हत्या कर सकता है तो सेल्फ डिफेंस में आप भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ये अधिकार आपको देश का संविधान देता है। अरे लेकिन उसमें भी सीधे सर पे गोली नहीं मार सकते लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, सामने वाला मुझे सलाह मिला है, फिर भाई आखिरी बात पूरी करिए, गोली खत्म करना नहीं मारे, आत्मरक्षा के लिए मिलता है, आत्मरक्षा के लिए मिलता है, उसको केवल खिलौना नहीं है, प्लास्टिक की बंदूक नहीं होनी चाहिए, उसमें गोली प्लीज 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 बोले, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, हाँ तो शराब पिलाते रहिएगा, कहे भाई घर घर शराब पहुंचा रहे हैं, यही आपका फोकस है, और थाने को आप कब्जा करते रहिए, पंजाब में थाने को कब्जा करते रहिए, ये आप आदमी पार्टी की सरकार है, अरे भाई थाने पे कब्जा करते रहिए, दरोगा को भगाते रहिए, मारते रहिए, ये आम आदमी का हम लोग, अरे मुझे सबका पता है कौन कितने पार्टी में, ठीक है अरे तकी भाई मुझे सबका पता है पंजाब में आप दिखा सके वही काम करेंगे, सरकार में क्या हो रहा है, थाना घेरेगी, थाने पे कब्जा करेगी, और उसके बाद हम माला लेके दबा कर दीजिए प्लीज, आप आम आदमी पार्टी दबा कर दीजिए प्लीज, गौरव जी जी के 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में जी जनता को अस्थाई डीजीपी चाहिए जी, ये आवश्यक है बिल्कुल, और जो रही बात अस्थाई और अस्थाई डीजीपी की कार्यशैली समान है जी, तो फिर इसमें विसंगति क्या है जी, फिर आप अस्थाई क्यों नहीं बनाते जी, आप अस्थाई डीजीपी की नियुक्ति करिए ताकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस रहे कि ये हमारे महानिदेशक स्थाई हैं और इनकी ये जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के आधार पर जनता के बीच में जो उनकी छप बनेगी वो अलग तरीके की रहेगी, और अस्थाई उनकी बात अलग है, इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकार ये तय करे और अस्थाई डीजीपी की नियुक्ति करे, ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने का बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर, अभी आज कार्यवाहक डीजीपी के रूप में आर के विश्वकर्मा को यहाँ पर प्रभार दिया गया है, ये प्रभार मई 2023 में खत्म हो जाएगा क्योंकि वो उनका सेवा काल खत्म हो रहा है। खैर चीजें क्या रहेंगी, स्थायी डीजीपी कब तक बनेगा ये भविष्य के गर्भ में निहित है, और जल्दी इसका फैसला भी हो जाएगा, मई के बाद हो सकता है प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल जाए, पर यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हर मंच पर हर विषय पर हर मुद्दे पर राजनीति होना शुरू हो गई है। चुनाव है, निकाय चुनाव की घोषणा भी कुछ समय बाद होने वाली है, उसके बाद 24 का चुनाव भी महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश का शासन, हमारे देश की व्यवस्था, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था, और देश का सबसे बड़ा राज्य यानी उत्तर प्रदेश में अपराधी मुक्त समाज की स्थापना संभव केवल और केवल पुलिसिंग के माध्यम से है। पुलिस जब ताकत में रहती है तो निश्चित रूप से बेहतर प्रदेश भी बनता है और बेहतर समाज की स्थापना भी रहती है, पर उस पुलिस को कैसे बेहतर किया जाए इसकी जिम्मेदारी सरकारों की होती है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहाँ कार्यवाहक और स्थायी डीजीपी में अंतर क्या होता है ये सब जानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काम और अधिकार सबको समान मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं स्थायी शब्द का जो अर्थ होता है बहुत बड़ा होता है और कार्यवाहक कार्यवाहक होता है, क्योंकि कार्यवाहक का एक शब्द केवल होता है वो होता है उस समय को पूरा करना, स्थायी का अर्थ होता है कि हाँ स्थायी रूप से उस पद पर विराजमान होना। चर्चा महत्वपूर्ण है और चर्चा चलती रहती है, राजनीति भी चलती रहेगी, पर कहीं ना कहीं एक बात भी जरूरी है कि कानून व्यवस्था के लिए इस तरह के जो आदेश है उस पर मुहर लगाते हुए कोशिश की जानी चाहिए कि स्थायी डीजीपी बने जिससे प्रदेश को और जनता को एक बेहतर संदेश जाए। आर के विश्वकर्मा बेहतर अधिकारियों में एक है, उसमें कोई संशय नहीं है, उम्मीद करेंगे कि वो भी डीएस चौहान के जैसा बेहतर कार्यकाल अपना रखेंगे और निश्चित रूप से निष्पक्ष और अपराध मुक्त समाज की व्यवस्था करने की पूरा पूरा प्रयास करते नजर आएंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।